टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक का प्राइस का टारगेट क्या हो सकता है कल का? तो दोस्तों ये स्टॉक देख सकते हो आज के दिन में भी 2% के ऊपर रिटर्न दिया है दोस्तों। और इसका अगर अपर टारगेट का बात किया जाए तो डायरेक्टली कहा जाए तो दोस्तों तो 1300 रुपीज़ इसका अपर टारगेट रहेगा दोस्तों, ठीक है। और इसका अगर लोअर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो 1270 इसका लोअर टारगेट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद भी पैसा आपका है तो खुद एनालिसिस करके पैसा लगाओ। कभी कभार हमारा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और हम किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए किसी को भी रिकमेंड नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी फील्ड पर अगर लॉन्ग टाइम तक रहना है दोस्तों तो उस फील्ड का नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नॉलेज गेन करो उसके बाद स्टॉक मार्केट पर एंट्री करो दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप पैसा लगाओगे तो खुद एनालिसिस करके पैसा लगाओ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।